नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी। तो आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। सब्जी मंडी सोलन के आधिकारिक दाम लेकर आपको जानकारी देंगे कि सब्जियों और फलों के क्या दाम है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज कहना चाहेंगे जो आप लोगों को करनी है, और आप लोगों को करना यह है कि लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करना है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन अपने फोन पर मिलती रहे कि प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के हर जिला में, हर प्रदेश के हर गांव में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसकी जानकारी आप लाइफ टाइम्स टीवी के माध्यम से अपने फोन पर ले सकते हैं। तो लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सोलन सब्जी मंडी के आधिकारिक दामों से कि किस तरह के भाव सब्जियों के हैं, किसमें कितनी गिरावट आई है, कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सब्जियों में सबसे पहले बात करेंगे टमाटर की, और टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर के अधिकतम दाम और न्यूनतम दाम से आपको बताएंगे कि टमाटर किस भाव में बिक रहा है। न्यूनतम दर से बात करते हैं तो 13 रुपए से 40 रुपए के बीच में है। शिमला मिर्च की बात करें तो 18 से 60 रुपए के बीच में है। फ्रांस बीन की बात करें तो 10 से 32 रुपए के बीच में है। वहीं गाजर की बात करें तो 25 से 30 रुपए, बंद गोभी 12 से 15 रुपए, फुल गोभी 25 से 35 रुपए, और इसी के साथ हरे धनिये की बात करेंगे तो 100 रुपए से 120 रुपए। फिर हरे धनिये के दाम जो है यहां पर बढ़े हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे ही त्योहारी सीजन आ गया है तो सब्जियों के दाम कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, और इस बार त्योहारी सीजन में लोगों के रसोई में जो है अब महंगा तड़का लगने वाला है, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। जिन सब्जियों के फलों के दाम जो है किसानों को पहले अच्छे नहीं मिले, लेकिन अब त्योहारी सीजन में उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। और अगर बात करें तो जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में सब्जियां आ रही हैं, तो वहां कहीं ना कहीं अगर बात करें सब्जियों के महंगे होने का कारण, पेट्रोल का महंगा होना भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो बाहर से आने वाली सब्जियों के दाम भी नेचुरल ही बढ़ गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो दिनों दिन अगर बात करें तो बीते 15 दिनों के बीच में सब्जियों के दामों में भी काफी ज्यादा उछाल आया है, और टमाटर के अच्छे दाम किसानों को मिल रहे हैं। इसी बीच अगली अगर सब्जी की बात करें तो हरे मटर के दाम 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में है। बैंगन के दाम 25 से 30 रुपए हैं, और खीरे की बात करते हैं यहां पर तो खीरा 10 से 20 रुपए, कद्दू 10 से 15 रुपए, आलू 12 से 24 रुपए, मूली 8 से 10 रुपए है, भिंडी 15 से 25 रुपए, घिया 15 से 20 रुपए, प्याज की बात करते हैं तो 38 रुपए से 40 रुपए के बीच में है। करेले की बात अगर करें तो 25 से 30 रुपए के बीच में है। लहसुन 40 से 90 है। अदरक की बात करें तो 30 से 40 है। मशरूम 140 से 150 है। और हरी मिर्च की बात करें तो 25 से 40 है। पालक 15 से 30, अरबी 15 से 20, तोरी 15 से 30। तो ये जो सब्जियां हैं इसके दाम आपको बताए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो सब्जियों के दाम जो है बढ़ रहे हैं, इससे किसानों को भी अपनी फसल के दाम मिल रहे हैं, जो बीते समय से जो उन्हें अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि इस बार किसानों बागवानों की बात करें तो उन पर मौसम की मार भी काफी ज्यादा पड़ी है। वहीं बात करें तो कोरोना महामारी ने भी किसानों और बागवानों को बहुत ज्यादा गहरे जख्म दिए हैं, क्योंकि चीजें बंद हुई, बंदिशें लगी, वो अपनी फसल को बाहर तक नहीं पहुंचा पाए। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस बार बना रहा तो बेमौसमी ओलावृष्टि, बर्फबारी और बरसात के कारण भी उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन त्योहारी सीजन में अब किसानों के लिए अच्छा समय आया है, जहां पर सब्जियों के दामों में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। मार्केट रेट की अगर बात करें तो काफी ज्यादा महंगी सब्जियां जो है इस वक्त मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को अच्छे दाम वहां पर मिल रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगले फलों की बात करेंगे। फलों में आपको सबसे पहले बताएंगे सेब के दाम। सेब के 40 से 78 रुपए के बीच में दाम है। पपीता 25 से 35, नींबू 30 से 40 है। अनार 60 से 80, केला 17 से 27 है। मौसमी 45 से 50 है। कीवी 60 से 70 है। अनानास 35 से 60 है। अमरूद 20 से 40 है। संतरा 30 से 60 है। नाशपाती 30 से 40 और तरबूज 25 से 30 रुपए। तो ये फलों के दाम है जो आपको बताए सब्जी मंडी के आधिकारिक दाम के न्यूनतम दर से अधिकतम दर क्या बनी हुई है। तो आज सब्जी मंडियों के दाम में इतना ही, और आप लोग देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। लाइफ टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने। धन्यवाद।